नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कल हमने बात की थी कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, उसकी खोज के बारे में बात की थी, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था उसके बारे में बात की थी, कोशिका सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया उसके बारे में बात की थी, और हमने बात की थी कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, कोशिका के प्रकारों के बारे में बात की थी कि कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमने पिछली क्लास में बीच में छोड़ा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, कोशिका को दो भागों में बांटा गया था, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, एक यूकैरियोटिक कोशिका थी, उसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है, और पादप कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उसके चारों ओर झिल्ली किसकी बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी हुई होती है उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर भी चर्चा करने वाले हैं और आज के क्लास के अंदर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। तो चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर है। दोस्तों, कल हमने बात की थी प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, याद है या नहीं है बताओ, पढ़ा था क्या? पढ़ा था तो आपको याद ज़रूर होगा। क्या मतलब था? प्रो का मतलब था प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब क्या था? न्यूक्लियस, अर्थात आदिम प्रकार का न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पढ़ा था? यू का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस अर्थात सुविकसित केंद्रक। तो पहला अंतर क्या आ गया हमारे सामने, वो तो इनसे देखकर ही पता चल रहा है कि क्या अंतर है। चलिए पहला अंतर लिख लेते हैं। क्या है पहला अंतर? केंद्रक किस प्रकार का है? इसके अंदर केंद्रक अल्प विकसित। क्या है? अल्प विकसित। इसके अंदर केंद्रक सुविकसित। पहला अंतर यह हो गया कि उसके केंद्रक के आधार पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का केंद्रक क्या होता है? अल्प विकसित होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक सुविकसित होता है। अब इसके अंदर केंद्र क्या है? अल्प विकसित है। तो केंद्र के अंदर हमें पता है कि क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें अल्प विकसित है तो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा? नग्न होगा, उसके अंदर कोई आवरण नहीं पाया जाएगा। और इसके अंदर केंद्रक सुविकसित है, इसके चारों ओर क्या पाया जाएगा? आवरण पाया जाएगा। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। क्या होगा दूसरा पॉइंट? आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए एंड आरएनए, ये क्या होंगे? नग्न होंगे, इसके चारों ओर कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर बात करते हैं
आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना। इसके अंदर क्या होगा? आवरण युक्त। समझ में आ रहा है क्या? देखो समझाता हूँ। देखिए ये कोई मान लीजिए सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये आनुवंशिक पदार्थ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, बिखरे हुए को? इसको बोलेंगे केंद्र काव, न्यूक्लियोइड, केंद्र काव, न्यूक्लियोइड। इसको क्यों बोलते हैं केंद्र काव? ये क्या होता है, केंद्र के समान आभास होता है केवल, इसलिए इसको केंद्र काव बोलते हैं। इसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और इसके अंदर बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ये न्यूक्लियस। इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है और इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, झिल्ली। तो इसलिए इसको, ये तो इसके अंदर हो गया आनुवंशिक पदार्थ, ये चारों ओर क्या पाई जाती है, इसके मेम्ब्रेन पाई जाती है, आवरण युक्त हो गया। तो ये उसके दूसरे पॉइंट के बारे में दूसरा अंतर हो गया कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। तीसरा अंतर की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लियस है आदि पाए जाते हैं। तो तीसरे अंतर के बारे में बात करें, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं, अनुपस्थित। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, क्या होते हैं, उपस्थित। ये बात की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ये तीसरे अंतर के बारे में पढ़ा। चौथा अंतर आता है राइबोसोम के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम क्या होते हैं, 70S टाइप के, 70S प्रकार का, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S प्रकार का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये राइबोसोम 70S और 80S क्या है, ये हम आगे की क्लासों के अंदर पढ़ेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, राइबोसोम कौन सा टाइप का है, 70S टाइप का। इसके अंदर ATS टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये हम अगली क्लासों के अंदर अध्ययन करने वाले हैं कि कोशिकांग क्या होते हैं, उसके अंदर राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, केंद्र क्या होता है। तो चलिए अगले अंतर की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे डिवाइड करती है, उसमें कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर असूत्री विभाजन पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों पाए जा सकते हैं। तो बात करें कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, अंग्रेजी में इसे सेल डिवीजन बोला जाता है, कौन सा है, असूत्री। असूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ जब दो कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ बराबर भागों के अंदर नहीं बंटता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कोई सेल है, ये आनुवंशिक पदार्थ है,
जब दूसरी सेल बनेगी तो इसके अंदर मान लीजिए थोड़ा बहुत तो आनुवंशिक पदार्थ इधर रह जाएगा या ज़्यादा रह जाएगा, तो इनसे कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर कितना जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, असूत्री विभाजन। मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा ही आया, इसके अंदर ज़्यादा आ गया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, असूत्री विभाजन बोला जाता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। इसके अंदर क्या होते हैं, अर्धसूत्री एवं समसूत्री मियोसिस एंड माइटोसिस दो टाइप का होता है, ये हम अगली क्लासों के अंदर अध्ययन करेंगे। अर्धसूत्री का, सूत्री का मतलब क्या होता है, धागा, आधा, अर्ध का मतलब आधा होता है, तो इसके अंदर जब कोशिका विभाजित करेगी तो आनुवंशिक पदार्थ पहले से क्या होगा, आधा रहेगा, और इसके अंदर क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ दोनों सेलों के अंदर क्या होगा, बराबर मात्रा के अंदर डिवाइड होगा। तो ये हमने बात की प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका के मेजर डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों कोशिकाओं के मध्य क्या अंतर होता है। चलिए अब बात करते हैं हम कोशिका की संरचना के बारे में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें, अगर नहीं आ रहा है तो भी बता देना। चलिए बात करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में। सेल स्ट्रक्चर, पहले हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है और बाद में बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए दोस्तों, हम केवल डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही डायग्राम के माध्यम से मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका की सारे बातें समझा सकूं। देखिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर एक क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है, सबसे बाहर की ओर, उसका नाम है कैप्सूल। और कैप्सूल के चारों ओर क्या पाई जाती है, विलाई, छोटे छोटे धागेनुमा एक स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, विलाई, याद रखना है हमको। इन विलाई का कार्य होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर पिलाई का कार्य होता है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, कोई हस्तय से जोड़ने का कार्य होता है। मान लीजिए ये कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके चारों ओर ये पिलाई पाई जाएंगी, तो इसको ऐसे क्या होगी, इसको अटैचमेंट के अंदर इसको पार्टिसिपेट करेंगी, और इनका मुख्य कार्य होता है, ये जननांग के रूप में भी इसको पिलाई का कार्य होता है, इसके आधार पर इसको बांट सकते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेल वॉल। आपको केवल एक ही डायग्राम के माध्यम से थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल इनसे ही समझना है कि ये क्या होता है, ये क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये किसकी बनी हुई होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, तो ये भी हमें याद रखना है कि किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन।
यह बहुत बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किन से मिलकर बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये दोस्तों सेल मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कुछ अंदर एक गांठ नुमा उभार बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, मिजोसोम। ये क्या बनाती है, इसके अंदर ऐसे एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर बनाती है इसको। ये सभी जगह पाया जाता है, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, बहुत सारे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, मिजोसोम। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, तो उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मिजोसोम क्या होता है, एक श्वसन अंग के रूप में कार्य करता है, और इनसे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का भी कार्य होता है, इनसे कोई चीज़ें अंदर आ या बाहर जा सकती है। देखिए, और हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, ऐसे ही आवरणयुक्त नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से बिखरा हुआ पड़ा रहता है ऐसे। ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, केंद्रकाब। इसके अंदर कोई आवरण है क्या, नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे चक्रनुमा एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। इस प्लाज्मिड का कार्य है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, प्लाज्मिड, इसको जेनेटिक इंजीनियर के अंदर वाहक के रूप में कार्य किया लिया जाता है। इसको इस कोशिका से बाहर निकाल सकते हैं तो ही इस कोशिका पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको बाहर निकाल कर इसके अंदर फॉरेन डीएनए को जोड़ कर इसके अंदर वापस क्या कर सकते हैं, अंदर ला सकते हैं, इसको जेनेटिक इंजीनियर के अंदर काम में लिया जाता है। दूसरा पाया जाता है इसके अंदर राइबोसोम, ये आपको डॉट डॉट क्या दिखाई दे रहा है, राइबोसोम, सभी को कॉपी के अंदर नोट करना है। याद है क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम किस टाइप का था, हमने पहले ही पढ़ा था 70S पर टाइप का था, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर सारे जो कोशिकांग हैं वो क्या होते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो ये बात की हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, इसकी संरचना के बारे में कि किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। एक बार फिर से देख लो, इसके चारों ओर एक टप क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, इसको क्या उसको मजबूतता प्रदान करता है। इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, और इसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रकाब बोलते हैं, और इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये तो दोस्तों हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की किस प्रकार की संरचना होती है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कि यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है।
आपको केवल इसके डायग्राम से ही सब कुछ समझना है, थ्योरी लिखने की इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। डायग्राम से अगर समझ में आ जाएगा तो हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछे, हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल। देखिए दोस्तों, हम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर प्लांट सेल एवं एनिमल सेल को मैं क्या बना रहा हूँ, एक ही डायग्राम से समझा रहा हूँ। बाद में हम अध्ययन कर लेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर क्या अंतर होता है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर चाहे पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसके अंदर क्या ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। उसके पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका चारों ओर, कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये क्या है, सेल वॉल। कोशिका भित्ति इसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन सब का अध्ययन हम अगली क्लासों के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो उसको अगली क्लासों को भी ज़रूर देखना, और अगर पिछली कक्षा को नहीं देखा है तो वो भी देख लेना कि कोशिका की खोज किसने की। चलिए आगे बात करते हैं, यह क्या है, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, ये किन से मिलकर बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन की लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, आवरण युक्त चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोला जाता है। इसके अंदर डीएनए क्या होता है, बिखरा रहता है। ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, और ये क्या है, उसके चारों ओर आवरण है। तो ये क्या हो गई संरचना, इसे हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। और देखिए, पादप कोशिका के अंदर एक जल से भूरी पुट्टिका पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, रिक्तिका। ये बड़ी सारी थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या बोला जाता है, वैक्यूल्स या रिक्तिका। ये क्या है, रिक्तिका, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। और केंद्र के चारों ओर एक जालनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऐसे जालनुमा बिखरी रहती है केंद्र के चारों ओर, अंतःपरद्रवी जालिका भी हिंदी में इसे बोला जाता है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे शॉर्ट में ईआर भी लिखा जाता है। अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, डॉट डॉट के रूप में इसे राइबोसोम आगे पढ़ेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं हो तो वो क्या होगी, स्मूथ होगी। अगर होगा तो वो क्या होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो क्या होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, उनसे एटीपी का निर्माण होता है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं,
ये क्या हो गए? राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसके अंदर गोल्जी बॉडी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। और इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। देखिए दोस्तों, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक के चारों ओर जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, या उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। पहले ये नोट कर लिया क्या? बाद में बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या अंतर होता है। नोट करो, पहले करो करो भाई, नोट करने से ही होगा, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। चलिए बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। देखिए दोस्तों, कोशिका के अंदर जो संपूर्ण लिक्विड भरा होता है ना, ये मान लीजिए केंद्रक सहित पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब केंद्र के अलावा, इस केंद्र के अलावा जो भी चारों ओर पदार्थ पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। तो हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अब केंद्र के अंदर कौन सा पदार्थ भरा हुआ है उसे हम क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य। जो पदार्थ भरा हो तो उसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब हमें समझ में आ गया कि कोशिका द्रव्य ये केंद्र के चारों ओर और केंद्र के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसे दोनों को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। तो अब देखिए, केंद्र के अंदर जो जो होगा हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। केंद्र के अंदर एक केंद्र काप पाया जाता है, उसके आनुवंशिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए क्या होता है, ये कंडेंस होकर किस प्रकार गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर दोस्तों देखो, कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं। क्या बिखरे हुए होते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल इसको बोला जाता है। इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। ये कौन कौन से हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम है, और क्या इसके अंदर? राइबोसोम है। ये पहले स्ट्रक्चर के अंदर हमने जाना था ना, वही है। और क्या है इसके अंदर? गोल्जी बॉडी है। और भी इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिड, इसे हम लवक बोलते हैं। ये भी तीन टाइप का होता है, उसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है
क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये भी हम अध्ययन करेंगे।